हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, फिजिकल और यूजेस नहीं ऐड करता, वो आप कर सकते हैं। कल के इसमें मैंने आपको 16 ग्रुप में डाल के ये बताया कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है करके, शॉर्ट में देखिए मैंने कैसे लिखा कल का, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में आपको कर लेना है इसको। तो आज के वीडियो में क्या करता हूँ, प्रिपरेशन केमिकल जल्दी जल्दी करता हूँ। और स्टार्टिंग है जो जनरल है, जो प्रॉपर्टीज है, आयनाइशन, इलेक्ट्रोनिविटी, ये सब आप कर लीजिए इसको फटाफट। डाउन द ग्रुप क्या होता है, क्रॉस प्लेटिंग होता है, ये सब पढ़ लीजिए। मैं सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ आज के, ठीक है ना। जल्दी करना है क्योंकि पोर्शन बचा हुआ है अभी, ठीक है ना। और बच्चे बोले कि दो दो तीन तीन वीडियो, एक दिन दो दो तीन वीडियो कैसा, एक ही वीडियो को पूरा ये कर कर उसको अपलोड हो करने तक दो तीन घंटे जाते हैं, दो से तीन घंटे जाते हैं पूरा। मेरा पूरा वीडियो तैयार करके उसमें अपलोड करने सब मिला के दो से तीन घंटे, तो तीन चार वीडियो बनाऊंगा तो मेरे तो 12 घंटे ऐसे जाएंगे। फिर मैं क्लास में पढ़ाऊंगा क्या फिर बच्चों, सोचिए ना आप, पॉसिबल ही नहीं है इतना। उसके लिए एक एक वीडियो ही बन जाता है, उसको ही दो तीन घंटे जाते मेरे। सबको लग रहा बहुत आसान काम है, चलिए देखते हैं अपना काम करते देखते हैं। तो अभी इसमें हम 60 ग्रुप में के एलिमेंट्स आपको याद है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ये एलिमेंट्स हैं 60 ग्रुप के। तो उसमें मैं आपके इसमें ऑक्सीजन और सल्फर के बारे में पूरा पढ़ना है हमको इस केस में। तो पहले देखते हैं डाइऑक्सीजन, क्योंकि O2 होने का इसको डाइऑक्सीजन बोलेंगे हम लोग। तो अब देखते हैं पहले इसका प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में पहले लिया बाय हीटिंग ऑक्साइड, ऑक्साइड को हीट करके, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, रेड लीड, तो इनको हीट करना, हीट करना, डीकम्पोज करके क्या बनेगा, उनका सॉल्ट बनेगा और ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस निकलेंगे। दिख रहा है आपको डायरेक्ट आएगा इनका, आप अगर आपको वो पूरी रिएक्शन लर्न नहीं करनी तो KClO4 को हीट किया तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन। ऐसे भी याद किया तो चलते जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट हीट किया तो क्या बन रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है। रेड लीड को हीट किया तो बना ऑक्सीजन, तो ऐसा डायरेक्ट भी किया तो चलेगा क्योंकि वहाँ पे लिखने का आता नहीं, या तो वहाँ लिखा होगा इक्वेशन तो आपको प्रॉब्लम आएगा। आपको देखना है कि उससे किससे किससे बनता है, तो ऑक्साइड हीट करके बनता है देखो ये, ठीक है, ये हो गया। फिर डीकम्पोजिशन, अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डीकम्पोज किया तो ये तो जनरली सभी को मालूम है। सिर्फ इसका कैटलिस्ट याद रखना है, MnO2 लेना है या फिर फाइनली डिवाइडेड मेटल्स लेते हैं, ठीक है ना। आपके 11th में भी हाइड्रोजन चैप्टर में है, आप लाइट के प्रेजेंस में, कार्बन के प्रेजेंस में, डस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है। आपको याद होगा उसके अंदर मेटल्स लिए हमने, मेटल्स लिए हुए, मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया हुआ, बहुत सनलाइट लिया हुआ है, उसके वजह से क्या होता है, डीकम्पोज हो जाता है, ठीक है ना। ऑटो ऑक्सीडेशन में इनके पढ़ा हमने वहाँ पर, तो ये कर लीजिए इतना नोट डाउन, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट डीकम्पोजिशन, यहाँ पे लेना आपको ऑक्सीजन रिच सॉल्ट्स लेने हैं। तो मैंने लिया पोटेशियम नाइट्रेट, उसको हीट किया तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन। मैं क्या प्रोडक्ट ही याद रखिए, पोटेशियम पर मैग्नेट लिया हमने तो ऑक्सीजन, रेड लीड लिया तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन, डायरेक्ट याद करिए। लेबोरेटरी मेथड में पोटेशियम क्लोराइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड और 420 केल्विन पे लिया तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। फिर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में फ्रॉम एयर हम नाइट्रोजन में कर सकते हैं लिक्विफिकेशन मेथड में, ठीक है ना, डिस्टिलेशन प्रोसेस है, तो वो यहाँ लिखा बाय लिक्विफैक्शन ऑफ एयर। फ्रॉम वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एनोड पे निकलेगा आपका और हाइड्रोजन कैथोड पे डिपॉजिट होगा, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, ओके। अब देखते हैं सिक्स्थ प्रिपरेशन मेथड बाय सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड को वाटर से हीट किया तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो कंबशन विथ नॉन मेटल पहले देखते हैं। तो नॉन मेटल में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, तो हाइड्रोजन साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन तो बनेगा वाटर, नाइट्रोजन साथ रिएक्ट करेगा एट 3300 केल्विन तो बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन साथ करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। फिर एक कंबशन विथ कंपाउंड्स, तो उसमें हम लिया सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, मतलब एक्चुअली यहाँ पर आ जाएगा आपका मेटल्स ही आ जाएगा, कंबशन विथ मेटल्स है, सॉरी यहाँ पर कंबशन विथ मेटल्स। तो देखो अभी मेटल के साथ क्या बनेगा, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया एट रूम टेम्परेचर तो बनेगा सोडियम ऑक्साइड, तो इससे बनेगा आपका सोडियम ऑक्साइड। उसके बाद फिर हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयन को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन इसको। ओके, अब देखते हैं थर्ड रिएक्शन विथ कंपाउंड्स। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, टेम्परेचर 723 केल्विन, तो उसको बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर HCl को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड, टेम्परेचर 723 केल्विन, तो उससे बनेगा आपका क्लोरीन एंड वाटर। फिर हमने मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो
तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, इसमें से ट्रीमेंडस हीट बाहर इवॉल्व होती है। फिर जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन से रिया किया तो बनेगा जिंक ऑक्साइड एंड सल्फाइड ऑक्साइड। हमने बेंजिन को रिया किया ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। ठीक है, ऐसे ये हो गया आपका पूरा रिएक्शन कंप्लीट। अब ऑक्साइड देखते हैं, ऑक्साइड तीन टाइप का होता है, एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब बाइनरी कंपाउंड्स जो दो एलिमेंट से बनता है। ठीक है, तो एसिडिक ऑक्साइड मतलब कि जैसे हमने कोई कंपाउंड को वाटर में, मतलब इसमें हम जाते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लेते हैं जनरली, एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटेलिक, इसको वाटर में डिजोल्व किया कि बन जाता है एसिड। जैसे CO2 को डिजोल्व किया तो कार्बोनिक एसिड, SO3 किया तो सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऐसा बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर बेसिक ऑक्साइड में दे फॉर्म अल्कलीज विथ वाटर, अल्कली बनेगा। जैसे हमने मेटेलिक ऑक्साइड आएंगे जैसे कि पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड से वाटर डिजोल्व किया तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा कर लीजिए नोटिस को। ओके, आप देखते हैं थर्ड ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, दोनों से रिएक्ट करेगा। इसके एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखते हैं इसका ओजोन, नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है ओजोन। तो इसका प्रिपरेशन बहुत ईजी है, ओजोन को हम क्या करेंगे, डीकम्पोज करेंगे तो बनेगा ऑक्सीजन को, मतलब कंबाइन कर क्या बना रहा है, ओ थ्री बनेगा, और इसमें प्लस 142 किलो जूल हीट इवॉल्व हो रही है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है ना, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी, तो इट इज़ थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल होता है, न्यूट्रल टू लिटमस, तो ये डीकम्स होके ओजोन डीकम्स होके ऑक्सीजन बनता है, और ऑक्सीजन से ही ओजोन बनता है देखो ऊपर। फिर ऑक्सीडाइजिंग नेचर, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो देखो ओजोन क्या करेगा, लीड सल्फाइड को लीड सल्फेट में ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा ऑक्सीजन में। ओजोन क्या करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिड्यूस कर देगा, मतलब ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा ऑक्सीजन में। कर लीजिए इसको नोट। देखते हैं अभी एडिशन रिएक्शन उसका। तो अगर हमने इथीन मॉलिक्यूल को ओजोन के साथ रिएक्ट किया तो ओजोन उसमें ऐड होकर क्या बना रहा है, इथीन ओजोनाइट बनाएगा। और कोआला में ये हम पढ़ चुके हैं एक जगह पर, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, अल्डिहाइड और कीटोन्स में। अब देखते हैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस क्या होगा, अभी देखो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इधर इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा डबल बॉन्ड, फिर ये इलेक्ट्रॉन रिटर्न, ये इलेक्ट्रॉन रिटर्न, तो ये ऐसा। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है 170 डिग्री है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ है दोनों 120 पिकोमीटर, बाकी कुछ नहीं करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपका ऑक्सीजन पूरा कंप्लीट हो गया, अब देखते हैं सल्फर नेक्स्ट एलिमेंट। तो सल्फर के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, तो पहले देखते हैं रोम्बिक सल्फर जिसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल सल्फर बोलते हैं हम लोग, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है एसेट, उसका शेप होता है क्राउन और पकर्ड शेप बोलते हैं इसको, और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06 होती है और मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूलर सल्फर, इसको इट इज़ कॉल्ड एज बीटा और प्रिज्मेटिक सल्फर बोल सकते हैं। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.98, इसका मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन। ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर बिल्कुल क्राउन स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं रिंग पकर्ड, मतलब पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना, बाकी सब सेम रहेगा पहले से। फिर साइक्लो एसिक सल्फर, इसको ये रहता है पैरामैग्नेटिक और इसका चेयर कन्फर्मेशन रहता है ऐसा। इसमें सल्फर टू सल्फर जितने भी रहेंगे बॉन्ड लेंथ वो 207.7 पिकोमीटर और इसका बॉन्ड एंगल होगा 102.2 डिग्री। नेक्स्ट है SN सल्फर, मतलब इसमें इट हैज़ S2 S3 मॉलिक्यूल ऐसे आते जाएंगे। और प्लास्टिक सल्फर बोलते हैं गामा सल्फर, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.95 और इसका ऐसा चेन रहेगा, जिग जैग में उसका चेन रहेगी, सॉरी। ओके, अब देखते हैं मिल्क ऑफ सल्फर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने सल्फर से रिएक्ट किया, बनेगा कैल्शियम पर सल्फेट, कैल्शियम थाई सल्फेट, उन दोनों को रिएक्ट करेंगे SL के साथ तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड वाटर और बनेगा मिल्क ऑफ सल्फर। फिर क्लोराइड सल्फर देखो, नाइट्रिक एसिड को हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्ट किया तो उससे बनेगा सल्फ्रिक एसिड, सॉरी वाटर, नाइट्रिक ऑक्साइड और आपका कोलाइडल सल्फर। फिर देखो सोडियम थायोसल्फेट को हमने कॉन्सेंट एसिल से रिएक्ट किया तो बनेगा NaCl SO2 वाटर एंड कोलाइडल सल्फर। तो यहाँ पे आपके हो गए एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। अब देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, तो कंपाउंड्स ऑफ सल्फर में सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे देखते हैं क्या, सल्फर डाइऑक्साइड देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। तो उसका प्रिपरेशन देखते हैं, प्रिपरेशन बाय बर्निंग ऑफ सल्फर इन एयर, सिंपल प्रिपरेशन है, सल्फर को ऑक्सीजन दिया गया तो सल्फर डाइऑक्साइड। फिर लेबोरेटरी मेथड क्या करना है, कॉपर को
सल्फ्यूरिक एसिड क्या करें तो कॉपर सल्फेट, सल्फेट ऑक्साइड, वाटर, इजी रिएक्शन है। फिर इंडस्ट्रियल मेथड क्या करते हैं, एज अ बाय प्रोडक्ट इन रोस्टिंग ऑफ पायराइट्स नहीं तो ब्लेंड्स में, जैसे कि हमने एग्जाम्पल आयन पायराइट लिया तो उसको ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो बनेगा Fe2S3 और बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले थर्मल डिसोसिएशन, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन, तो सल्फर डाइऑक्साइड डिकम्पोज होकर बनेगा सल्फर और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एसिडिक नेचर में सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर थी, वाटर में डिजॉल्व करके बनाता है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज होकर H2 हाइड्रोजन आयन और SO3 आयन बनाएगा सल्फाइड आयन। फिर अगर ये इसको अल्कली से रिएक्ट किया तो क्योंकि ये एसिडिक है तो बेस के साथ न्यूट्रलाइज होगा तो बनेगा सोडियम सल्फाइट और वाटर, सॉल्ट एंड वाटर बन गया। अब एडिशन रिएक्शन में अगर हम देखते हैं यहाँ पर एडिशन रिएक्शन, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन के साथ एडिशन रिएक्शन क्या बनता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड सनलाइट या फिर कैम्फर के प्रेजेंट में। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो सल्फर डाइऑक्साइड किस में रिड्यूस हो जाएगा, सल्फेट आयन और 4 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और देखो सल्फर डाइऑक्साइड मैग्नीज ऑक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके बनेगा सल्फेट आयन 4 हाइड्रोजन आयन Mn2+। आयोडीन क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एसिडिक मीडियम में तो बनेगा सल्फेट आयोडाइड आयन। अरे तो मतलब आयोडीन आयोडाइड बनेगा, डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे MnO4 किस में जाएगा Mn2+ में, यहाँ पे सल्फर हो जाएगा सल्फेट में, ऐसा आपको देख लेना है। और FeCl2 प्लस SO2 और 4HCl के साथ तो FeCl3H2 और सल्फर बन जाएगा ये। अब इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करके सल्फर में कन्वर्ट कर देगा और H2O में, तो कर लीजिए नोट डाउन इतना। ओके, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अब देखो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो फर्स्ट स्ट्रक्चर सेकंड में कन्वर्ट। अगर इसका ये बनाते हैं, कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, तो ऐसा बनेगा, इसको हटा देता हूँ। इसका जो बॉन्ड एंगल है ये रहता है 119.5 डिग्री, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड, उसका प्रिपरेशन कॉन्टैक्ट प्रोसेस करेंगे तो 3 स्टेप्स में। पहले सल्फर को ऑक्सीडाइज करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, नहीं तो फिर आप आयन पायरेट लेके उसको ऑक्सीडाइज करके फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हैं। ठीक है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड तो बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर एसिड रिएक्ट करेंगे बनेंगे ओलियम, ओलियम को वाटर में डिजॉल्व किया तो बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। कर लीजिए नोट डाउन इसको। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट लीड चैम्बर प्रोसेस नेम रिएक्शन है। तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड तो बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं तो फिर सल्फर डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया तो बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड NO। तो बाद में SO3 को क्या करेंगे, वाटर से रिएक्ट करेंगे बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, पहले आयनाइजेशन देखते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिजॉल्व किया तो बनेगा हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन सल्फेट, फिर हाइड्रोजन सल्फेट को वाटर फिर डिजॉल्व किया तो बनेगा हाइड्रोनियम आयन एंड सल्फेट आयन। तो दो स्टेप में डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब इट इज़ अ डाई बेसिक एसिड। स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेशन, तो सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेशन है सभी को मालूम है। तो देखो अगर हमने यहाँ पे लिया डाइसैकेराइड, तो सुक्रोज लिया, माल्टोज जो भी लिया, तो क्या बनेगा, कार्बन बनेगा और वाटर बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं इसमें से। ग्लूकोज लिया तो डिहाइड्रेट कर देगा उसको, कार्बन और वाटर बाहर जाएगा। इथाइल अल्कोहल लिया तो उसको डाइथाइल ईथर में डिहाइड्रेट कर देगा, मतलब प्रोडक्ट बन जाएगा डाइथाइल ईथर और वाटर बाहर आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड, मेटल्स लाइक आयन रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड, किसे रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग, रिएक्ट्स विथ H2SO4 तो क्या लिबरेट करेगा वो, हाइड्रोजन गैस। अब हमने मेटल या लीड रिएक्ट्स विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड और नोबल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट, जैसे कि गोल्ड प्लेटिनम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट फोर्थ, इट डिकम्पोजेस द सॉल्ट, जैसे मैंने लिया NaCl सॉल्ट लिया तो सल्फ्यूरिक एसिड को डिकम्पोज कर बनाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HCl। सल्फ्यूरिक एसिड पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड। इट एक्ट एज एन एक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो देखो अब सल्फ्यूरिक एसिड डीकम्पोज होकर प्रोड्यूस करता है क्या, यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन देख लीजिए। तो अभी सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड,
सल्फर इसने सल्फर को ऑक्सीडाइज कर दिया है सल्फेट ऑक्साइड, सल्फर एसिड ने एच आई को ऑक्सीडाइज कर दिया है आयोडीन में, और सल्फ्रिक एसिड होता है ये सल्फोनेटिंग एजेंट भी है। तो अब देखो यहाँ पे बेंजीन लिया और यहाँ पे सल्फ्रिक एसिड, यहाँ बनेगा आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा एच सी सिक्स, ठीक है बराबर है, ठीक है ये हम ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। बेंजीन को लिया क्या कौन सा सल्फ्रिक एसिड, तो बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड और वाटर बाहर निकलेगा, कर लीजिए नोट डाउन। अब देखते हैं सेवेंथ केमिकल प्रॉपर्टी, एक्शन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो हम लोग जब सल्फर एसिड रिएक्ट करेंगे फॉस्फोरस पेंटाक्साइड, तो यहाँ का एच जो ओ एच ग्रुप है वो रिप्लेस होगा क्लोरीन से, तो बनेगा यहाँ पे सी एल एस ओ टू ओ एच और पी ओ सी एल थ्री प्लस एस सी एल। फिर सेकेंड स्टेप ये ओ एच रिप्लेस होगा सी एल से, तो बनेगा सी एल एस ओ टू सी एल टू सी एल, मतलब तो एस ओ टू सी एल टू बन गया, मतलब सल्फ्यूरल सल्फ्यूरिल क्लोराइड बन गया और पी ओ सी एल थ्री प्लस एस सी एल। अब उसको के फोर एफ ई एस एन सी सी एन सिक्स का रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड के, तो बनेगा यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट फेरस सल्फेट और कार्बन ऑक्साइड बनेगा। इसको हमने अभी रिएक्शन किया के साथ कैल्शियम फ्लोराइड के साथ, तो उससे बनेगा आपका कैल्शियम फ्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट, तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा। अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अभी ये वाला, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। तो पहला लिखते हैं सल्फो ऑक्सिलिक एसिड एच टू एस ओ टू, तो उसका फॉर ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा एच ओ एस ओ एच और उसका ऑक्सीजन स्टेट है प्लस टू। फिर दूसरा है आपका सल्फ्यूरस एसिड मतलब एच टू एस ओ थ्री, इसका ओ एच एस ओ ओ एच और इसका ऑक्सीजन स्टेट है प्लस फोर, कर लीजिए नोट डाउन। ओके अब देखते हैं थायो सल्फ्यूरस एसिड, फॉर्मूला है एच टू एस टू ओ टू ओ एच एस डबल वन ओ ओ एच और इसका ऑक्सीजन स्टेट है माइनस टू और प्लस फोर। फिर नेक्स्ट है डायथायोनस एसिड, जिसको बोलते हैं हाइड्रो सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं इसको, तो इसका फॉर्मूला है एच टू एच टू ओ फोर, इसका ओ एच एस डबल वन ओ एस डबल वन ओ और ओ एच, इसका ऑक्सीजन स्टेट है प्लस थ्री। नेक्स्ट है पायरो सल्फ्यूरस एसिड और उसको बोलते हैं डाई सल्फ्यूरस एसिड, इसका फॉर्मूला है एच टू एच टू ओ फाइव, तो ओ एच एस डबल वन ओ ओ एस डबल वन ओ ओ एच और इसका ऑक्सीजन स्टेट है प्लस फोर। फिर सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियल, फॉर्मूला है एच टू एस ओ फोर, तो ये ओ एच एस डबल वन ओ डबल वन ओ और ओ एच, इसका ऑक्सीजन स्टेट है प्लस सिक्स। फिर नेक्स्ट है थायो सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एस टू ओ थ्री, ठीक है। तो अब इसमें देखो ओ एच एस डबल वन ओ डबल वन एस ओ एच और ऑक्सीजन स्टेट इसका माइनस टू और प्लस सिक्स है, तो कर लीजिए नोट डाउन इसका। ओके अब देखते हैं एट्थ स्ट्रक्चर ओलियम, इसको बोलते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला है एच टू एस टू ओ सेवन, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है ओ एच एस डबल वन ओ डबल वन ओ ओ एस डबल वन ओ डबल वन ओ ओ एच, इसका ऑक्सीजन स्टेट है प्लस सिक्स। फिर पायरो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं कैरोस एसिड, इसका फॉर्मूला है एच टू एस ओ फाइव ओ एच ओ एस डबल वन ओ डबल वन ओ ओ एच, इसका ऑक्सीजन स्टेट है प्लस सिक्स। पर ऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड और मार्शल एसिड, इसी बोलते हैं पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है इसको, पर ऑक्सी इसको पर डाईक्सी पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला है एच टू एच टू ओ सिक्स, फॉर्मूला है इसका ओ एच एस डबल वन ओ डबल वन ओ ओ ओ एस डबल वन ओ डबल वन ओ ओ एच और ऑक्सीजन स्टेट प्लस सिक्स। अब लास्ट है डाईथायोनिक एसिड एच टू एच टू ओ सिक्स ओ एच एस डबल वन ओ एस डबल वन ओ एस डबल वन ओ एस डबल वन ओ ओ एच और इसका ऑक्सीजन स्टेट प्लस फाइव। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है ग्रुप सिक्सटीन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में 17 और 18 एक साथ कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए कर लीजिए इतना तैयार तब तक।